कठुआ, उन्नाव, सासाराम, सूरत समेत देश के अन्य हिस्सों में रेप की घटनाओं पर हाल ही में भोजपुरी फिल्म की क्वीन गार्गी पंडित ने सोशल मीडिया पर अपनी राय रखी थी। इन मामलों के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करते हुए रेपिस्ट को फांसी की सजा देने की मांग की थी, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर धमकियां मिलने लगी। सोशल मीडिया पर उन्हें मैसेज के जरिए चुप रहने को कहा जाने लगा। बावजूद इसके गार्गी ने कहा कि वो बोलेंगी और उन्हें बोलने का हक है। बता दें, रेप मामले में गार्गी से पहले सोशल मीडिया पर करीना कपूर खान और सोनम कपूर सहित कई बॉलीवुड स्टार्स अपनी अपनी राय रख चुके हैं। गार्गी ने कहा, भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा अधिकार है कि देश में महिलाओं खासकर बच्चियों पर हो रहे हमले के खिलाफ बोलूं। सोशल मीडिया पर मुझे कुछ लोगों ने धमकी देते हुए कहा कि मैं सेलिब्रिटी हूं, इसलिए चुप रहूं। मगर मेरे देश का संविधान मुझे बोलने का अधिकार देता है और मैं वोट भी करती हूं, इसलिए मैं बोलूंगी। उन्होंने कहा, सरकार के साथ साथ ऐसे मामलों में मीडिया का भी अहम भूमिका होना चाहिए, यानी मीडिया को सिर्फ हेडलाइन दिखाकर चुप नहीं होना चाहिए, उन्हें भी हेडलाइन से आगे निकलना चाहिए। आज हमें हिंदू मुसलमान से आगे निकलकर महिलाओं के खिलाफ हो रहे हिंसा पर एकजुट होना होगा। बता दें, गार्गी ने देश में बच्ची के साथ रेप के मामले में रेपिस्टों को फांसी की सजा देने की मांग की थी और कहा था कि ये बेहद दुखद और शर्मनाक है कि 10 साल से भी कम उम्र की बच्चियों के साथ लगातार रेप के मामले सामने आ रहे हैं। उसमें भी अगर इसकी शिकार मासूम बच्चियां हो रही हैं, तो सरकार के साथ साथ समाज को भी सोचना होगा।